हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जवे, जो कि मैदा के बने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बारीक बारीक सेवियां जैसे हैं, इनकी हम मीठी सेवियां भी बना सकते हैं। और इन्हें हमने भून के कढ़ाई में बिना कुछ घी डाले सिर्फ भून के लाइटली सा, देखिए ये बिल्कुल ऑफ वाइट कलर के थे, अब ये लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं, लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो आज हम बनाएंगे जवे, वो भी जवे जिसके साथ हम डालेंगे कटे हुए टमाटर और एक हरी मिर्च, जो कि है पौनी कटोरी, आधी कटोरी मटर और आधी कटोरी आलू, जो कि हमने सिर्फ एक आलू लिया है। अब हम कढ़ाई, हमने गैस ऑलरेडी ऑन कर रखी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड, जो कि है जीरा 1/2 टीस्पून। जब जीरा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें टमाटोज डालेंगे। आपको अगर अनियन खाना पसंद करते हैं तो अनियन भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। गैस को कम कर देंगे और अब हम इसमें टमाटो हमने डाल के इसमें, अब हम इसमें पोटैटोज डालेंगे कटे हुए। अब बिल्कुल इनको पतले पतले काटेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पतला कटा हुआ है। इस तरह से आप बारीक इन्हें काटेंगे ताकि ये गलने में आसानी रहेगी। गैस को हम तेज कर लेंगे। अब हम इसमें मटर भी डाल देंगे ताकि मटर भी गल जाए और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को सिम करके अब हम इसमें मसाला डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। मसाले में हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हल्दी टर्मरिक पाउडर, खटाई जो कि हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून, जिसे आप अमचूर भी कहते हैं, मैंगो पाउडर, और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च जो कि कुटी हुई है, और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब आलू और मटर को गलाना जरूरी है तो उसके लिए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ऑलरेडी, और जब पानी उबल जाएगा, बॉईल हो जाएगा और ये थोड़ा गल जाएंगे तब हम इसमें जवे डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी और इसे मिक्स करके इन्हें अच्छे से जल्दी मिक्स कर देंगे 1 कटोरी पानी डालने के बाद, ताकि मटर और आलू अच्छे से गल जाएं। और हम इसे कवर कर देंगे ताकि सिम पे, गैस लो कर देंगे आप, ताकि सिम पर दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं। और मैं आपको बता दूं, 1 कटोरी जवे के लिए 1.5 कटोरी पानी डाला जाएगा, तो वो हम पानी बाद में ऐड करेंगे, तब तक ये पानी सूख जाएगा। तो हम इस पानी को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कम इंक्लूड करेंगे। तो एक्सेप्ट दैट 3 कटोरी जवे हैं हमारे, तो हम इसमें 1 कटोरी के लिए 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने मटर और आलू को गलने के लिए रखा था, तो ये 5 मिनट हो गए हैं आलू और मटर को गलते हुए, तो ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। और बाकी जब हम जवे डालेंगे तो ये पानी के साथ और भी गलते रहेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 कटोरी जवे के लिए हम 1.5 कटोरी पानी इसमें डालेंगे, तो हमने 3 कटोरी जवे लिए हैं। तो हमें इसमें 4.5 कटोरी पानी डालना है, तो 1/2 कटोरी आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें है पानी, तो हम इसमें सिर्फ 4 कटोरी पानी अब डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे
और हम इसमें अपने जवे जो है वो डाल देंगे। और इन्हें फिर से अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल जो है वो जवे से ऊपर है, तो इसी तरह से आपके जवे का वाटर लेवल होना चाहिए। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो आपने जवे के हिसाब से आप अपने स्वादानुसार इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। जैसा कि हमने इसमें डाला है 2 टीस्पून के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो डिपेंड करता है आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं या कम करते हैं। तो अब हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए तेज आंच पर रखेंगे ताकि पानी में थोड़ा बॉयल आ जाए। जब पानी थोड़ा बॉयल हो जाएगा फिर हम गैस को सिम कर देंगे कुछ देर के लिए, और उसके बाद जवे पकने देंगे। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम गैस को सिम कर देंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें मसालों की। और अब हम इसे वापस से ढक देंगे, गैस को सिम रखेंगे, और बीच में एक बार या दो बार हम इसे हिला सकते हैं हर 2 मिनट के बाद, देखने के लिए कि जवे गल गए हैं। हाय फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे जवे कितने गले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है और जवे ऑलमोस्ट गल गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे थोड़ा जवे जो है वो पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो अब हम इससे गैस बंद करके इन्हें वापस से ढक देंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। लीजिए, हो गए आपके गर्मा गर्म जवे तैयार। तो अब आप इसे, हम गैस ऑफ कर चुके हैं, 5 मिनट बाद सर्व करें और सभी के साथ इसको खाकर आनंद लें।